नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय नाज मंडी स्थित गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने बापू के प्रिय भजनों को सस्वर प्रस्तुत किया, जिनमें मुख्य रूप से वैष्णव जनते तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे, उठ जाग मुसाफिर बोर वही, अब रैन कहां जो सोवत है। इस प्रकार अनेक भजनों के साथ प्रार्थना सभा में सभी धर्मों की प्रार्थनाएं प्रस्तुत की गई। समापन अवसर पर रघुपति राघव राजा राम का संकीर्तन किया गया। शहर के गणमान्य लोगों और स्कूल के बच्चों ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने कहा कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। महापुरुषों की जयंतियाँ और पुण्यतिथि हमारे और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए संदेश आज बहुत ही जरूरी हैं। हम सभी को उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी देश के ही नहीं बल्कि पूरे संसार के बहुत बड़ी धरोहर हैं। हमें गर्व है कि उनका जन्म भारत की पावन धरती पर हुआ। सदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और आपस में प्यार और भाईचारे में रहते हुए सबकी सहायता करनी चाहिए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। यह अवसर है जब हम अपने देश और मानवता के बारे में गहन चिंतन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और देश में ये संदेश देने की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी जी ने जो हमें पथ दिखाया था, जो डगर दिखाई थी, आज उस पर चलकर देश आकाश की बुलंदियों को ग्रहण कर सकता है। हमारा सौभाग्य है एक ऐसा महापुरुष, इस देश में विभिन्न तरह के महापुरुष हुए हैं, शांति के प्रतीक भी हुए हैं, क्रांति के प्रतीक भी हुए हैं। दोनों का अपना अपना योगदान है। भारत के विगत में महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी देन है और आज उनका संदेश सबसे ज़्यादा सकारात्मक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी देशवासी उनके संदेश से प्रेरित हों ताकि हमारे देश को हम अच्छा भविष्य दे सकें। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी जी को बच्चे और सभी बापू भी कहते थे। महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। अंग्रेज कहते थे ये बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी है, पैरों में जूते नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, क्या देश को आज़ाद कराएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने एक ऐसी मूवमेंट छेड़ी, आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह वगैरह किया, अंग्रेजों को भागना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा और हमारा देश जो आज़ाद हुआ। आज हम महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पे, बापू गांधी जी के बताए रास्ते पे चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। बापू ने जो हमें दिखाया रास्ता, उन रास्ते पे चलें ताकि हमारे देश में भाईचारा, जात पात की बात ना हो, धर्म की बात ना हो, धर्मनिरपेक्षता हो और देश आगे बढ़े, यही हमारी आज संदेश है।